हेलो बच्चों, एक बार फिर से हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश, अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हिंदी की कक्षा। आज की हिंदी की कक्षा में हम अभ्यास करेंगे व्यंजन छ। छ, वेरी गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। छ, छ से छतरी, छतरी। छ, छ से छलनी, छलनी। छ, छ से छड़ी, छड़ी। वेरी गुड, व्यंजन छ। एक बार फिर से दोहराते हैं। छ से छतरी, छ से छड़ी, छ। वेरी गुड। तो बच्चों, मिलते हैं अगली कुछ और वीडियोस में लिखित अभ्यास के साथ। आशा करती हूँ कि आप सभी अभ्यास कर रहे हैं। बाय बाय। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं व्यंजन छ का लेखन। सबसे पहले आज की तारीख, आज का दिनांक हम ऊपर लिखेंगे, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। दी हुई सारी लाइन को आप कंप्लीट करेंगे, नीचे जो अभ्यास के लिए लाइनें दी गई हैं वो भी आप लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक अर्धगोला बनाएंगे, उसी से मिलाते हुए एक और अर्धगोला ऊपर की तरफ बनाएंगे, एक छोटी सी खड़ी रेखा बनाएंगे और एक घुमावदार रेखा। छ से छाता, अर्धगोला, एक और अर्धगोला बनाएंगे ऊपर की तरफ ले जाते हुए, इसको यहाँ पर घुमाकर इससे टच कर देंगे, इससे मिला देंगे और एक छोटी सी खड़ी रेखा। हिंदी व्यंजन छ। छ से छतरी, छ से छाता, छ से छाता। चलिए एक बार फिर से यहां पर देखेंगे, एक अर्धगोला बनाएंगे, एक और अर्धगोला ऊपर की तरफ ले जाते हुए इसको घुमाएंगे, एक छोटी सी खड़ी रेखा। हिंदी व्यंजन छ। एक बार फिर से देखिए, छोटी सी खड़ी रेखा। हिंदी व्यंजन छ। छ से छतरी, छ से छाता। तो देखा बच्चों, कितना आसान था हिंदी व्यंजन छ को लिखना। इसी तरीके से आप अभ्यास करते हुए सारी लाइनों को पूर्ण करेंगे। अभ्यास करते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।